वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लायर एकेडमी। कंजक्शन सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं यूज ऑफ विच। विच का यूज जो होता है, विच का यूज एज ए कंजक्शन के लिए यहाँ पे हिंदी में इसका अर्थ होता है जिसे या जो की। जैसे मैं आपको थोड़ा एक बता देता हूँ। आई गेव यू अ पेन विच यू हैव लॉस्ट। मैंने तुम्हें एक पेन दिया था जो कि तुमने गुमा दिया। तो इस तरह के सेंटेंस में विच का यूज़ करते हैं। तो आइए मैं कुछ इसके नियम बता देता हूँ। विच का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, जैसे कोई निर्जीव हो, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। और इसका यूज़ आपका जैसे कुछ दूसरे वाक्यों में, जहाँ पे इज, इट, दैट या कोई नाउन जो रिपीट, वापस कोई नाउन जो रिपीट हो रहा हो, उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूँ आपको सेंटेंस किस तरीके से बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले पूरा वो सेंटेंस लिख दें, पहले वाला पूरा सेंटेंस लिख दें। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस में, जो दूसरे सेंटेंस में आपका इट या दैट या फिर वही सेम रिपीट ना होना है, उसको हटा के बिच लिख के उसको हटा के पूरा सेंटेंस लिख दें। जैसे कि आप देखेंगे, आई हैड अ बेट, आई गेव इट टू माई ब्रदर। इसमें आप सेंटेंस को देखें, पहला सेंटेंस क्या है, आई हैड अ बेट, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई गेव इट टू माई ब्रदर। तो इसको किस तरीके से करेंगे, आप पहले तो पहला पूरा सेंटेंस लिखें, तो आई हैड अ बेट हो गया पूरा। अब आप विच लिखें, विच, आई हैड अ बेट विच आई गेव टू माई ब्रदर। ना ही इसमें आपका इफ था, ना ही इसमें आपका एट था, ना ही इसमें रिपीट हो रहा था, दैट्स व्हाई आपने इसमें लिखा आई हैड अ बेट विच आई गेव टू माई ब्रदर। अब इसके बाद जैसे दूसरा सेंटेंस देख लें, दिस इज द हाउस आई परचेज इट लास्ट ईयर। This is the house I purchased it last year. तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे, पहले पूरा सेंटेंस लिख लें, तो दिस इज द हाउस, फिर इसके बाद क्या आएगा, विच आएगा। अब इसमें देखें, कोई रिपीटेड नाउन नहीं है उसमें, जो ना इसमें इफ है ना दैट है, तो क्या हो जाएगा, विच आई परचेज लास्ट ईयर। अब इसमें मैं आपको बता दें, जैसे इसमें इट या दैट वाला बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे रितेश परचेज्ड अ कार। It is very costly. तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस लिख दो, रितेश परचेज अ कार। अब इसमें आप क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। रितेश परचेज अ कार विच इज वेरी कॉस्टली। इट हटा दो, इट को हटा दिया, तो क्या होगा, रितेश परचेज अ कार विच इज वेरी कॉस्टली। रितेश परचेज अ कार विच इज वेरी कॉस्टली, इसमें आपने क्या हटा दिया, इट हटा दिया। तो उपयोग गाइस, आपको ये यूज ऑफ विच समझ में आया होगा, तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।